यूएन में बुरी तरह से इजराइल काफी लंबे समय के बाद हार गया है। इससे साफ जाहिर हो गया है कि इजराइल से दुनिया अब थोड़ी सी थोड़ा दूर हो रही है। यूएन के अंदर वोटिंग हुई किस बात पर, बताता हूँ। यूएन के अंदर एक प्रस्ताव लाया गया जिसमें बताया गया कि इजराइल ने फिलिस्तीन के अलग अलग इलाकों पर कब्जा किया हुआ है, सेटलमेंट बनाए हुए हैं, इंक्लूडिंग ईस्ट जेरूशलम और गोलान हाइट, यानी सीरिया के गोलान हाइट और ईस्ट जेरूशलम पर भी इजराइल ने कब्जा किया है। जो जो इस बात से राजी हैं कि हाँ इजराइल ने कब्जा किया है, वोटिंग कीजिए। इस पर रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर है। आप यकीन नहीं करेंगे, यूएन के अंदर 145 देशों ने इजराइल के खिलाफ वोट किया, कहा कि हाँ, जी हाँ, सबने वोट किया, कहा कि जी हाँ, इजराइल ने सेटलमेंट किए हुए हैं फिलिस्तीन के इलाकों में और ईस्ट जेरूशलम पर ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है, सीरियन गोलान हाइट पर कब्जा किया हुआ है। दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 7 लोगों ने इजराइल का साथ दिया, 7वां खुद ये बेगैरत इजराइल है। कनाडा ने इजराइल का साथ दिया, हंगरी ने इजराइल का साथ दिया, नारू ने इजराइल का साथ दिया, USA यानी अमेरिका ने इजराइल का साथ दिया, इसके अलावा किसी ने साथ नहीं दिया। बात करें भारत की तो अंध भक्तों अपने बाप की इस वोटिंग को देख लो। मोदी सरकार ने भी यूएन में वोटिंग किया और कहा कि जी हाँ, इजराइल ने फिलिस्तीन के इलाकों में कब्जे किए हुए हैं। मोदी सरकार ने भी सभी के साथ इजराइल के खिलाफ वोट डाल दिया है। तो आप समझ लीजिए कि अभी तक का इजराइल को सबसे तगड़ा झटका यूएन के अंदर है और अंधभक्तों को बासी मुंह अब पेशाब पीना पड़ेगा, गाय का या गधे का, जिसका तुम्हें ठीक लगे पी लो, क्योंकि मोदी सरकार भी बिल्कुल स्टैंड अपना क्लियर करके चल रही है। भले ही यहाँ पर देखिए, डबल इंजन की सरकार नहीं, दोगली सरकार है, सभी जानते हैं। अब यहाँ भारत में फिलिस्तीन का नाम लेना चाहे आप बैन कर दो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी में, अंतर्राष्ट्रीय पैनल पर आपको वही बोलना पड़ेगा जो महात्मा गांधी बोलते थे, वही कहना पड़ेगा जो अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे। सीरिया के राष्ट्रपति बशार अल असद ने जो बात कही है वो ध्यान देने वाली है और बिल्कुल हकीकी बात है। बशार अल असद ने साफ तौर से कहा कि जिस तरह से अरब देशों ने इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन किया, ये उसी का रिजल्ट है कि आज इसराइल फिलिस्तीनियों की बुरी हालत कर चुका है। इसी तरह से अरब देश अगर इसराइल के साथ नॉर्मल रहेंगे तो ये फिलिस्तीनियों का और बुरा हाल करेगा। भाई साहब, जिनको पता ही नहीं था कि फिलिस्तीन, मस्जिद अल अक्सा, इसराइल का क्या मैटर है, वो भी समझ चुके हैं कि फिलिस्तीनी बेगुनाह है और इसराइल आतंकवाद फैला रहा है। ब्रिटिश एक रैपर, एक सिंगर, एक गायक, उसने एक पॉडकास्ट में इस बात को बोला कि आज आतंकवाद आतंकवाद बताकर अस्पतालों पर हमला कर रहा है इसराइल गाजा में, कल वो मस्जिद अल अक्सा के अंदर बोलेगा कि आतंकवादी हैं और ये कहकर वो उस पर हमला कर देगा। बात बिल्कुल हकीकत कही है, एकदम खरी बात है, सुनिए। 5 to 10 years, pardon me. And I am convinced that within 5 to 10 years, they will use it on some type of pretext. Now, that pretext could be that there's resistance coming from Al-Aqsa, so they have to shell it. Right? There's people keeping weapons in Al-Aqsa, so they have to do that. There's numerous different possibilities of how they're going to approach this. एक बार फिर से ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कहा है कि वर्ड्स की जरूरत नहीं है, एक्शन की जरूरत है। यही बात सारी दुनिया ईरान से भी कहती है कि ईरान को सिर्फ जुमलेबाजी नहीं, एक्शन में भी उतरना होगा। मेरे दोस्तों, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर का बयान सुन लीजिए और इस बयान से ये क्लियर हो चुका है कि पूरी दुनिया का प्रेशर इजराइल पर है। दोस्तों, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर का मुंह देखिए। पहली बात तो उसका मुंह देखिए, ऐसा लग रहा है बकरी जो है 5-6 घंटे के बाद नहा के आई है, उबल गई है। अब सुनिए इस गंदे से मुंह से इसने क्या कहा। इसने कहा, इंटरनेशनल नेताओं से मैं अपील करता हूं कि आप दबाव में मत आइए, आप प्रेशर में मत आइए और आप इसराइल को सपोर्ट करते रहिए। नेतन्याहू ने एक बार फिर से साफ कह दिया है कि हमास को चलाने वाला ईरान है, हम पूरी तरह से ईरान से और हिजबुल्लाह से लड़ने को तैयार हैं, हम हर हद से गुजरने को तैयार हैं, हम किसी भी हद में गाजा के अंदर जाकर
पूरी तरह से डिसआर्म कर देंगे, किसी के पास कोई हथियार नहीं होगा, गाजा पर हम राज करेंगे, गाजा पर अपनी सरकार चलाएंगे, यानी गाजा पर कंट्रोल करेंगे, और साथ ही हम गाजा किसी और के हाथ नहीं देंगे। वहीं वेस्ट बैंक के इलाके में 3 और फिलिस्तीनियों का कत्ल इजराइल की सेना ने कर दिया है। हालांकि आपका दिल फटेगा ये सुन के कि गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि आज की मौतों के आंकड़े हम अपडेट नहीं कर सकते क्योंकि हम एक दूसरे से बात नहीं कर पाए, क्योंकि पूरे गाजा में कम्युनिकेशन पूरी तरह से ठप था, बातचीत किसी से नहीं हो पाई है। फ्रांस पूरी तरह से इजराइल पर भड़का था, रिपोर्ट दिखा चुका हूँ। अब इजराइल ने फ्रांस की पूंछ पर पैर रख दिया और अमेरिका ने भी पीछे से कुछ ना कुछ उंगली करी है। अब इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा जो है सफाई दी गई है कि हमने बीबीसी के चैनल पर हमास के खिलाफ भी बातें बोली और इजराइल जो कर रहा है उस पर भी हमने रोशनी रखी, लेकिन बीबीसी ने हमास वाले इंटरव्यू को शो नहीं किया, वो दिखाया नहीं, और सिर्फ एक तरफा बयान दिखाकर हमारे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया। दोस्तों ये है फ्रांस। कुल मिला के फ्रांस भड़का हुआ तो था, प्रेशर तो है फ्रांस पर, क्योंकि फ्रांस की जनता खुद अब फ्रांस के सरकार के खिलाफ है कि आप जेनोसाइड को सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन उधर से अमेरिका और इजराइल ने भी फ्रांस की पूंछ पर पैर रखा हुआ है। उधर मेरे दोस्तों गैब से मदद आई है। कैसे? एक एयरक्राफ्ट अमेरिका का मेडिटेरियन सागर में, मेडिटेरियन सी में इसराइल की मदद के लिए और हमास के खिलाफ उड़ रहा था। अमेरिका ने खुद जानकारी दी है कि वो एयरक्राफ्ट अपने आप जो है फट गया, क्रैश हो गया। अब इसकी खबर नहीं है कि किसी ने मार कर गिराया है, लेकिन खबर ये कंफर्म है कि अमेरिका ने खुद बताया कि उसका एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। तो जाहिर सी बात है, या तो गैब की मदद है या तो हिजबुल्लाह ने कराया काम 35। इसराइल का सैनिक, एक एक सैनिक पूरे गजा पर कब्जा करने का ख्वाब देख रहा है, और हकीकत यह है कि वो अपना ख्वाब पूरा कर रहे हैं। गाजा के बीच पर एक इसराइल का सैनिक पहुंचता है, ये तस्वीर देख लीजिए, उसने पूरा वीडियो बनाया है, हेब्रू में हो तो अलग दिखा नहीं सकता। इसने अपने बयान में वीडियो, जो सेल्फी वीडियो बनाया है, दिखाया है कि पूरी तरह से गाजा के बीच पर इसराइल ने कब्जा कर लिया है। आगे उसने बोला कि हमने यहाँ तक कब्जा किया है और आगे आने वाले तमाम गाजा की जगहों पर हम कब्जा करेंगे। ये वीडियो वही है। दोस्तों मेरी वीडियोस को कुछ लोग देखते हैं तो बेचारे इतना डरते हैं कि वो ऐसे करके देखते हैं कि पड़ोस वाला देख न ले, सुन न ले। हैं सोचिए, मुझे किसी मेरे हैं बॉलीवुड में, बहुत करीबी हैं हमारे, हाँ बॉलीवुड में भी हैं भाई हमारे, तो उन्होंने बताया कि रदा भैया आपकी वीडियो को जो है ऐसे देख रहे थे वो। तो हमने बोला भाई हम भी मियाँ भाई हैं, डरो मत, ली लगा के क्यों देख रहे हो, खुला खुला देखो। तो उसने कहा कि ये भाई इतना खुला बोलते हैं कि हम खुद सुनने में डर लगता है कि पड़ोसी हमको ना रगड़ दे। तो कमाल ये है कि सच बोलना छोड़िए, लोग सच सुनने से भी डर रहे हैं। अब काहे डर रहे हो यार, अल्लाह के बंदो। खैर ऐसे माहौल में कोई दुश्मन की आंखों में आके डालकर सच बोले तो कमाल की ही बात है। नहीं नहीं, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, डोंट वरी, मैं अपनी तारीफ नहीं करता। जॉर्डन के अंदर जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी है, एक जॉर्डन के ही व्यक्ति ने, लड़के ने, स्टूडेंट ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी और ग्रेजुएशन स्पीच में उसने पूरा बयान देने के बाद आखिर में जर्मनी की ही सरकार की निंदा कर डाली, जर्मनी की आंखों में आके डाल के, और कहा ये जर्मनी इसराइल का साथ दे रहा है जो जेनोसाइड कर रहा है। देखिए I just want to add that I think I speak for everyone in the audience. I think it's appalling that the German government is supporting Israel in committing genocide. वहीं दोस्तों ताज़ा तस्वीर आपके दिल को खुश करने के लिए देखिए,
ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करी। इसमें दोनों ने अपने रिश्ते बेहतर करने की बातें की हैं और इकोनॉमिक टाइज को लेकर बात कई मुद्दों पर बात करी है, लेकिन जो मेन बात सामने निकल के आई है, ईरान ने सऊदी अरब को सफाई दी है। कहा है कि हमारे कहने पर ना हमास चल रहा है ना हिजबुल्ला, ये तमाम संगठन अपने दम पर काम कर रहे हैं। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, लौटूंगा और भी बड़ी जानकारियों के साथ। इससे पहले कि तमाम रिपोर्ट्स को जाकर ज़रूर देखिएगा, चैनल को खुद भी सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों से भी करवाइए, यही आप हमारे लिए बहुत बड़ा काम कर देंगे। जय हिंद।